Hello, my dear students. Today we are going to study about a lesson from our English book, and the name of the lesson is Bobby the Robot. It is a story of a young boy, Atul, and his toy named Bobby. Hope you will enjoy reading the book. Now let's start lesson number 8, Bobby the Robot. Robot से आप लोग को लगता होगा कि रोबोट कितना अच्छा होता है. कुछ एक इमेजिनेशन आ जाता है कि जो अपने आप चले, अपने आप बोले, हमारा सारा काम कर दे. इस तरीके की चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि अगर रोबोट हो हमारे पास तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसा ही एक ये स्टोरी है जो एक बच्चा है उसके बारे में. तो पढ़ते हैं. अतुल रेड एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. यू कैन मेक योर ओन रोबोट, अ रोबोट दैट हॉप्स. अतुल ने एक एडवर्टीजमेंट जैसे पेपर में निकलते हैं उसमें पढ़ा कि तुम अपना एक अपना रोबोट बना सकते हो, एक ऐसा रोबोट जो कूद सकता है. हॉप्स मींस कूद सकता है. एज सून एज ही रेड दिस ही सेड एक्साइटेडली. जैसे ही उसने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा वो बहुत ही अपना एक्साइट होके बोला कि बहुत ही खुश होके कूदता हुआ सा बोला, नाउ आई कैन मेक माई ओन हॉपिंग रोबोट. और उसको बहुत ही खुशी हुई, उसने सोचा कि अरे वाह, अब तो मैं अपना रोबोट बना सकता हूँ. ही रश्ड टू द शॉप एंड बॉट अ रोबोट किट. और इतने खुशी में वो जल्दी से शॉप पे पहुँचा और एक रोबोट की किट उठा लाया. ऑन रीचिंग होम ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रोबोट एंड नेम्ड इट बॉबी. जैसा कि होता है कि आप लोग भी जब जाते हैं शॉप पे तो क्या होता है कि बड़ी खुशी में जल्दी से अपना जो भी टॉय लेकर आते हैं उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं. उसी तरीके से जैसे ही वो अपने घर पहुंचा रोबोट की किट लेके, तो उसमें क्या था कि पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग थे सारे रोबोट के. तो उसको रोबोट को उनको पार्ट्स को इकट्ठा करना था. असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना. तो उसने सारे पार्ट्स को असेंबल किया और उसका एक नाम दे दिया, क्योंकि उसका अपना रोबोट था तो उसने उसका नाम दे दिया बॉबी. बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप. बॉबी तो बन गया, रोबोट तो उसने असेंबल कर लिया, पूरा तैयार कर लिया, लेकिन जो उसने सोचा था कि उसका जो रोबोट होगा वो कूदेगा, वो नहीं कूदा. फिर क्या किया उसने, ही रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. उसने सारे जो इंस्ट्रक्शंस, आपने देखा होगा कि टॉयज में लिखा रहता है कि ये चीज ऐसे लगानी है, वैसे लगानी है, तो उसने फिर से पढ़ा उसको इंस्ट्रक्शंस को सारे को केयरफुली मीन्स ध्यान से. एंड ट्राइड टू रीअसेंबल इट बट फेल्ड. फिर उसने सोचा कि फिर से मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया. देन क्या हुआ कि अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम. उसने फिर अपनी मम्मी को बुलाया, जैसे सब लोग करते हैं. बच्चे क्या करते हैं, कुछ अपना काम नहीं पूरा होता तो सबसे पहले मम्मी को बुलाते हैं. मम्मी मदर ऑल्सो ट्राइड वेरी हार्ड बट शी कुड नॉट मेक बॉबी हॉप. मम्मी ने भी उनकी ट्राई किया कि चलो फिर से केयरफुली इसको असेंबल करते हैं, लेकिन बॉबी नहीं कूदा. अतुल्स फादर केम इन टू फाइंड आउट व्हाट दे वर डूइंग. जब मम्मी और अतुल लगे हुए थे तो उनके पापा को लगा क्या हो गया, इतनी शांति सी कैसे है. चलो देख कर आते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं. उन्होंने भी देखा. वन आफ्टर द अदर एवरी वन इन द हाउस ट्राइड. और भी जो लोग घर में थे उन्होंने सोचा क्या हो रहा है, देखते हैं. उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, वो चला ही नहीं, बॉबी जो है कूदा नहीं. नो वन कुड मेक बॉबी हॉप. कोई भी नहीं हुआ, नहीं कर पाया बॉबी को हॉप कराना. एट लास्ट अतुल्स सिस्टर माला सॉ द फोन नंबर ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट. उसके बाद क्या हुआ, उसकी बहन जो थी उसका नाम था माला, उसने फोन नंबर देखा शॉप का पैकेट के ऊपर. जो किट थी उस पर फोन नंबर लिखा था शॉप का, उसको देखा. शी कॉल्ड अप द शॉपकीपर. उसने शॉपकीपर को कॉल किया. शी आस्क्ड व्हाई इज बॉबी नॉट हॉपिंग. उसने सोचा कि क्या चक्कर है, जब उसमें लिखा था कि बॉबी हॉप करेगा तो हॉप क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी किट खराब है क्या. उसने ये जानने के लिए शॉपकीपर को कॉल करके पूछा कि वो जो बॉबी रोबोट है वो कूद क्यों नहीं रहा है. द शॉपकीपर रिप्लाइड यू मस्ट टैप इट ऑन इट्स हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स. फिर शॉपकीपर ने उसको बताया कि जब पूरा रोबोट तैयार हो जाए तो क्या करना है, ऊपर उसका जो हेड है उस पर उसको प्रेस करना है, टैप करना है. नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड. अब क्या किया, जब पता चल गया तो अतुल ने जैसे ही बॉबी के सिर पे, हेड मीन सिर, उसके टैप किया तो क्या हुआ, वंडर ऑफ वंडर्स,
बॉबी हॉप्ड। अचानक से बड़ा मजा आ गया उन लोग को कि कितना अच्छा हो गया, वंडर हो गया, सरप्राइजिंग हो गया। बॉबी कूदने लगा। बॉबी द रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम। और जब वो कूदने लगा तो बॉबी जो रोबोट था वो पूरे रूम में इधर से उधर कूद रहा था। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद इट। अतुल बहुत खुश हुआ। और जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। तो उसने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उनके साथ खेलने लगा। प्रशांत वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आस्क्ड व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ योर रोबोट। प्रशांत एक उसका फ्रेंड था, उसने पूछा अतुल से कि और क्या क्या कर सकता है तुम्हारा रोबोट। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। फिर अतुल ने बताया कि वेरियस मतलब बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, जैसे वो चल सकता है, वॉक्स, स्पीक्स माने बोल सकता है, एंड मूव्स इट्स आर्म्स टू, और अपने हाथ भी चला सकता है। अतुल रिप्लाइड ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड। सारे उसके फ्रेंड्स बॉबी के साथ खेला और इंजॉय किया है, मतलब मज़ा किया। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ऐसी स्टोरी पढ़ के, और आपका भी मन कर रहा होगा कि आपको भी एक ऐसा ही बॉबी मिल जाए, है ना। चलो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। हॉप, हॉप मीन्स फुदकना, एक्साइटेडली उत्तेजित होकर, मतलब बहुत ही एक्साइट होके। रश्ड, रश मीन तेजी से चला। असेंबल्ड, हिस्सों को जोड़ा। इंस्ट्रक्शन, निर्देश, जो भी हम ऑर्डर उसमें जो भी दिया रहता है कि इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। फंक्शंस, कार्य, जो भी क्या क्या काम कर सकता है रोबोट, तो उसको कहते हैं फंक्शंस। रश, तेजी से चलना। असेंबल, हिस्सों को जोड़ना। सो होपफुली आप लोग को लेसन समझ में आया। अब इस लेसन को आप दोबारा से रीड करिएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस इसकी करेंगे। थैंक यू।